श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर भी बुराई का वास नहीं होगा, वह स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, ये जानते हैं इस पौराणिक महान कथा के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछती हैं कि आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज संध्या समय तुलसी के पास दीपक को जलाया जाता है, इससे कौन से फल प्राप्त होते हैं? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण की देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दिया जलाने का फल मिलता है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, ने पति के लिए उल्टा सीधा कुवाच्य कहती थी और अपने पति के लिए हमेशा क्लेश करती थी। कभी समय पर भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी भी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और उसके परिवार जन घर पर आते तो वह स्त्री उन्हें अपमानित करती थी और स्वयं काम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में लगा रहता था। वह अपने पति से कभी प्रेम पूर्वक बात नहीं करती थी, किंतु पराये सुंदर मर्दों के साथ बैठकर बातें करती थी और पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा यह आचरण अनुचित है, इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसीलिए तुम अभी से यह सब बुरे कार्य छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचारा स्त्री ने कहा कि ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और भिक्षा में मिला भोजन खाना पड़ता है, और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। अगर तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे, इसलिए अब मैं
किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष के साथ जाती है, उसका हित ही होता है, उसे नर्क में जाना पड़ता है। तब उसकी दुराचारी पत्नी ने कहा कि नर्क में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी वही खिलाते हो। पत्नी को असंतुष्ट और दुखी रखने वाला पति भी नर्क में ही जाता है और तुम्हारा घर किसी नर्क से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं नर्क में जाकर रहूं। इस प्रकार हरि दीक्षित की पत्नी ने अपने कटु वचनों से अपने पति का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नर्क में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, अब कौन मुझे अपनाएगा, कौन मेरा भोग करेगा, मेरा पति तो मूर्ख है, मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है। मुझ जैसी अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजो। चाहे वो मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक वाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री का विलाप शोर सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंसक और ध्वंसक का रूप अत्यंत ही भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसका रंग जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसके जबड़े में लंबे तीक्ष्ण दांत थे, तो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। वंशक की लंबी मजबूत पूंछ उसके ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। वंशक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा था, जिससे वह एक ही झपट्टा मारकर अपने शिकार को धाराशायी कर सकता था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कर पाती उससे पहले ही बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री झटके में जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है, मुझे क्यों मार रहा है, मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी, तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण कर, तुझे क्या मिलेगा। स्त्री की यह बात सुनकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया। हंसते हुए बोला, ये दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी दुराचारी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो। पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंसक नाम का वह बाघ कहने लगा कि हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा।
पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने शांत वातावरण, सुंदर मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार था और मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। फिर बाघ ने आगे कहा कि मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए किए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया और धन और धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैंने अनेक छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते करते कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, मुंह के दांत गिर गए, परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने दुख भरे स्वर में आगे कहा कि एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। नदी के तट पर एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर पर काट बैठा और मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के दो दूत प्रकट हुए। वे भयानक रूप वाले काले थे। उनके हाथों में जंजीरें थी। वे मुझे पकड़कर यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि ये ब्राह्मण वेदानंद, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया है। यह धन के लोभ में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने नरक की यंत्रणाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंसक ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा कि अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने उस स्त्री को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि
हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए और उस पापी ने स्त्री को उठाकर यमराज के सामने ले गए। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है, इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, यह अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचारी स्त्री यमराज से कहने लगी कि धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें, मैंने यह सब अनजाने में पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं कि तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं, तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों के साथ विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा कि दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो, है पापिनी स्त्री उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं, अनेक वर्षों तक उसे खोलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया, उसे निकालकर रोरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडालिनी के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय के बाद अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे गोड़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा को सहने लगी। उसके अंग अंग जलने लगे, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इन सब दुखों को सहती हुई वह अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहाँ पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है, यह स्त्रियाँ इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा कि कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है, इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है, इसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप भी नष्ट होंगे क्या? अब वह साधु कहते हैं कि हे पुत्री, यह सत्य है कि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके सभी जन्मों के पाप भी किसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं, किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? तब वह स्त्री कहती है कि हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ, मैंने व्यभिचार किया है था अनेक प्रकार के पाप किए हैं, मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है।
कृपा मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं कि हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पास दीपक जलाया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह स्त्री तुलसी के पास दीपक जला रही थी, तो उसी समय उसका हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दो दूत उस स्त्री को ले जाने के लिए उस स्थान पर आए। जैसे ही यम के दूत उसे पाश में बांधकर वहां से ले जाने लगे, तभी वहां विष्णु भगवान के दो पार्षद आए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थी। हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा कर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है और इसे नर्क में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, यमदूतों, तुम सत्य कहते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा कि हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते यमदूतों, तुलसी तो भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया है और दीपक प्रज्वलित किया है, इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नर्क जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि हे पार्षदों, आप सत्य कहते हैं, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है, तो इसे हम कैसे नर्क ले जा सकते हैं? विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा कि इसीलिए हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षद की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत बता दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, प्रकार से केवल तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो स्त्री संध्या के समय नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती, जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है।
मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है और आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, इससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ होता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।